सिंगरौली जिले के देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीसीएम की तानाशाही और भ्रष्ट रवैये को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है और कार्यवाही न होने पर आमरण अनशन करने की बात कही है। सिंगरौली जिले के विकासखंड देवसर में पदस्थ कर्मचारियों का आरोप है कि बीसीएम राजेश शाह लगातार पैसों के लिए परेशान करता है और बिना वजह उन्हें मिले मामूली वेतन से कटौती कर लेता है और पैसों की मांग करता है। जिन आशाओं द्वारा पैसे दे दिए जाते हैं उनका वेतन नहीं काटा जाता है और उनकी पूरी हाजिरी भरकर भेजी जाती है। समस्या हमारी है 2023 से लेकर 2024 मार्च तक का हमारा आधा से अधिक पैसा काटा गया है। डीसीएम सर काटते हैं, फोन लगाते हैं, बोलते हैं आप लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं, महीने का काटा जाता है, ये नहीं पता चलता कितना पैसा काटता है, कुछ पता नहीं चलता। इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए पर्यवेक्षक भी इनके साथ खड़े हैं। पर्यवेक्षक ने बताया कि बीसीएम के भ्रष्ट आचरण की कई बार शिकायत भी हुई है और इनकी सेवा समाप्त भी की गई थी, पर विभाग में दबाव बनाकर वापस सेवा में आ जाते हैं। अब इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की जा रही है। यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं होती है तो सभी कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन की बात कही है। इनका सिंगल विंडो मैं यहाँ से बनवा के देता हूँ, सहयोगनी ले जाके जमा करती हैं और इनका पूरा सिंगल विंडो जो जाता है उसमें इनका काट के पैसे दिए जाते हैं। बताते हैं कि बजट नहीं है, पर जब बजट आता तो फिर इनका नहीं देते। जो लोग पैसे दे देती उनका पैसा दे देते। यहाँ से कई लोगों सीताकली हैं, केश कुमारी है, इनसे पैसे ले लिए 5-5 हज़ार रुपये, इनका कुछ का दे दिए कुछ का नहीं दिए। और समित का पैसा देने के लिए 1,000 रुपये ले रखा, सबसे समित का इनका रजिस्टर रख रखा है। आशाओं की नियुक्ति करते हैं तो जिसकी नियुक्ति हो जाती है समित के द्वारा उसी से फिर फोन लगा के 20,000 लेते, फिर लिस्ट निकालते हैं और इस प्रकार से यही करते हैं। जिससे पैसा मिल जाता है उसका पैसा पूरा निकालते, नहीं नहीं निकालते। इससे पूरी आशाएँ परेशान हैं, काम करने में उनको बड़ी असुविधा आती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।